राजस्थान में बीकानेर के नोखा के नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक बीकानेर जोधपुर हाईवे पर नोखा नागौर के बीच पड़ने वाले गांव श्री बालाजी के पास एक क्रूजर गाड़ी और मिनी बस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। दोनों गाड़ियों की यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी में सवार कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 8 लोगों ने तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और बाकी 3 लोगों की नोखा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल हुए बाकी 8 लोगों को नोखा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि सभी लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के सज्जनखेड़ा और दौलतपुर गांव के रहने वाले थे, जो बीकानेर देशनोक में रामदेवरा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। इस सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि राजस्थान के नागौर में हुआ भीषण सड़क हादसा बेहद दुखद है। जिन लोगों को इस दुर्घटना में जान गंवानी पड़ी है, मैं उन सभी के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके साथ ही पीएम ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाने का ऐलान किया है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।